महाराष्ट्र के अहमदनगर की जहां पर जिले के शेवगांव तालुका के बालाम टाकली के अशोक लक्ष्मण शिंदे दोपहर 2 बजे गन्ने में पानी दे रहे थे। बिजली की लाइनें गन्ने के बीच से होकर गुजर रही थी। इसी बीच बिजली की लाइनों में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से किसान के खेत में गन्ने की फसल में आग लग गई, जिसके कारण किसान का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रामनाथ राजपुरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली बोर्ड नुकसान की भरपाई करे, नहीं तो सारे किसान मिलकर सड़क पर चक्का जाम करेंगे।